वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माई यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम टोकन के बारे में जी हाँ दोस्तों इसी की ऑफिशियल एम्प टोकन डॉट ओ आर जी जी हाँ इस पूरी वेबसाइट को अगर हम चेक करते हैं बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाई गई है और इसी वेबसाइट पर काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं हालांकि फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर दूंगा इसके ऑफिशियल व्हाइट पेपर और उसके साथ साथ इसका एक हल्का सा यहाँ पे डिटेल है जिसे हम शेयर करेंगे सो वट इज एम्प टोकन एम्प इज यूनिवर्सल कोलेट्रल टोकन डिजाइन टू फैसिलिटेट फास्ट एंड एफिशियंट ट्रांसफर फॉर एनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी कि एम्प यहाँ पर एक यूनिवर्सल कोलेट्रल टोकन है जिसका उद्देश्य है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर्स होते हैं वो काफी अच्छे हों स्पीडी हों, और उसके साथ साथ जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वहां पर ये कर सके वेन एम्प यूजिंग एज कोलेटरल ट्रांसफर्स ऑफ वैल्यूज आर गारंटेड एंड कैन सेटल इंस्टेंटली वाइल द अंडरलाइंग एसे रीचेज फाइनल सेटलमेंट अ प्रोसेस दैट कैन टेक एनी वे फ्रॉम सेकेंड डेज एम्प is held in escrow by a collateral manager once the transaction successfully settles the m collateral is released and made available to collateralized

टू इनोवेश दो इनोवेशन क्या है पहली है कोलेक्ट्रल मैनेजर दूसरी है टोकन पार्टीशन यहां पर कोलेक्ट्रल मैनेजर की बात इसलिए की जा रही है बिकॉज यहां पर ये कोई सामान्य कोलेट्रल मैनेजर नहीं है दे आर शॉर्ट ऑफ लाइक एस्क्रो अकाउंट बिल्ड विद डिफरेंट रूल्स एंड स्पेसिफिकेशन दैट कैन बी कस्टमाइज टू फिट वेरियस यूज केसेस

में यहां पर इसे कोलेटरल के माध्यम से देखा जा सकता है इसमें इनका बहुत बड़ा एक और एप्लीकेशन है, है। है, जिसको कहा जाता है। पूरा क्या है? उसके बारे में हम समझते हैं। अवेलेबल टू एनी वन टू यूज इन एनी एप्लीकेशन यानी कि एम्प टोकन को आप कहीं पर भी किसी पर यूज कर सकते हो फ्लेक्सा क्या है फ्लेक्सा एक कंपनी है जिसने एम्प को यहां पे बनाया है इन कोलेबोरेशन विद कंसेंसिस अब यहां पे फेलेक्सा जो है दो साल का रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद जो टोकन आर्किटेक्चर और डिजाइन और डेवलपमेंट जिसमें हुआ था उसे इन्होंने फर्स्ट एम्प कोलेटर मैनेजर के तौर पे रिलीज किया था और ये एक ओपन सोर्स है Iskeath Flexa is also the entity which owns the Flexa network and all associated copyrights, trademark, patents, and other intellectual property related to it. The Flexa network is a payment network that enables fast and fraud-proof payments for merchants all over the world. By using AMP as collateral, फ्लेक्सा कैन सिक्योर पेमेंट ऑथोराइजेशन एसेट्स एसिट्स रिमेनकर्म एंड अप्रूव मर्चेंट ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम इट्स जस्ट वन यूज केस ऑफ एम्प टोकन यानी कि फ्लेक्सा की जो बात की जाती है यहाँ पर वो एम्प का एक यूज केस भी है हालांकि जब एम्प को क्रिएट किया गया था तो यहाँ पर फ्लैक्सा का ही रोल माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने कोलेबरेशन के माध्यम से यहां पर एम्प को क्रिएट किया है और उसको एक कंसेंसस का भी नाम दिया गया है तो अब मैं समझता हूं कि इनको रिसेंट ऑडिट भी अभी होने चाहिए यानी कि इस ऑडिट्स को किए हुए काफी समय हो चुका है क्योंकि डेवलपमेंट और इनोवेशन प्रोजेक्ट में काफी हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहां पर आप ऑडिट्स की उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में शायद आपको दूसरे ऑडिट्स भी आपको देखने को मिल जाएं। सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रोजेक्ट की यह है कि यहाँ पर वोट मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है यानी कि गवर्नेंस की जहां बात की जाती है यहां पर जो एम्प यूजर्स है जब आप वोट करने जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसे आप ज्वाइन करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट अपने ओपिनियंस के बेस पे यहाँ पे वोटिंग की जा सकती है यानी कि जो आप चाहते हो जो कम्युनिटी चाहती है उसके हिसाब से यहाँ वोटिंग कर सकते हैं और वोटिंग करने के बाद इस प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं वो भी महत्वपूर्ण है वोटिंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है और प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से डिफाइन की गई कि सबसे पहले यहां पर जो प्रोजेक्ट ऑनर्स हैं वो एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस करेंगे प्रपोजल आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस पब्लिकली टू द एम्प कम्युनिटी फोरम फॉर कम्युनिटी डिस्कशन एंड फीडबैक उसके बाद उसको सबमिट प्रपोजल का नाम दिया गया है जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन पीरियड जो खत्म होता है आपको वहां पर प्रपोजल सबमिट करने होते हैं टू स्नैपशॉट अब ये स्नैपशॉट है इसका पूरा जो पोर्टल है इसको स्नैपशॉट का नाम दिया गया है आप चाहें तो यहां पर आप अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं प्रपोजल सबमिट होने के बाद यहां पर क्या होता है कि वोटिंग एंड कोरम फॉर अ वोट टू बी कोरम ऑफ 5 बिलियन ए एम पी यानी कि पांच परसेंट की टोटल टोकन सप्लाई जो है वो होनी चाहिए मस्ट बी अचीव्ड एंड अ वोट मस्ट बी एक्टिव फॉर मिनिमम ऑफ आवर्स यानी कि अड़तालीस घंटे जो कि मिनिमम है यहां पर आपका वोट एक्टिव रहना चाहिए वोट्स आर बाय सिंपल तो इस हिसाब से जब पूरा वोटिंग मैकेनिज्म यहां पे काम करेगा उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वही पब्लिश किए जाएंगे और वहीं से ही पूरे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जाएगा अगर आप यहां पर वोटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एम्प टोकन होना जरूरी है चाहे आप उसे स्टेकिंग के माध्यम से देखें चाहे आप उसे होल्डिंग के माध्यम से देखें यानी कि आपके पास एम्प टोकन होना चाहिए

इस पूरे व्हाइट पेपर को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे इन्होंने क्रिएट किया और कैसे यहां पर चीजों को दर्शाया गया है यहां पर एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है कि AMP focuses on providing high-quality collateral, stability, and self-sustaining characteristics to create exponentially more utility. It also that AMP is the first project to enable participants to stake collateral while maintaining custody of the underlying assets. This novel implementation of partition schemes and modular collateral managers allow for dramatically simplified user interaction to facilitate mass adoption and डिसेंट्रलाइज ऑफ द फ्लेक्सा नेटवर्क यानी कि इसी एप टोकन के माध्यम से यहां पर चीजों को किया जाएगा प्रोजेक्ट को आगे लाया जाएगा वोटिंग की जाएगी पार्टिसिपेशन यहां पर होगा प्रपोजल मैकेनिज्म सेट किया जाएगा और उसी हिसाब से प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जाएगा वैसे ही दोस्तों टोकनाइजेशन मॉडल की यहां पर बात की गई है जिसमें सिमेट्रिक इंसेंटिव्स, नॉन जीरो सम पार्टिसिपेशंस, एसेट प्राइसिंग और दूसरे यहां पर जो फीचर्स हैं उनका बताया गया है उसका पूरा लेखा जो का आपके सामने यहां पे देखने को मिल जाएगा तो आप चाहें तो इस व्हाइट पेपर को अपने एंड से भी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिशियल पोर्टल की जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था काफी सिंपल इसे बनाया गया है और यहां पर जैसा ये बता रहे हैं कि यहां पर एम्प जो है आपको मल्टीपल एसेट्स के साथ जुड़ने का उसके साथ ट्रेड करने का और वहां पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूज करने का बेहतर चांस देता है यहां पर आप स्टेकिंग कर पाएंगे क्रिप्टो को सेंड कर पाएंगे और उसी चीज को आप दोबारा रिपीट कर पाएंगे क्योंकि इनका जो ऐप ये ऐसा एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने एसेट्स को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेकिंग कर सकते हैं और यहां पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलेंगे डिजिटल पेमेंट फिएट करेंसी एक्सचेंज लोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा यहां पे की जा सकती है Amp? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि एम्प यहां पर पूरे प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है और यहां पर कोलेट्रल की जो बात की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एम्प हेल्प्स यू डिसेंट्रलाइज रिस्क ऑफ योर यूजर्स विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स पर्पस बिल्ट फॉर कोलेट्रल नथिंग मोर नथिंग लेस जहां पे कोलेट्रल एज अ सर्विसेज एक्सटेंसिबल एंड ओपन सोर्स की बात की गई है नॉन इन्फ्लेशनरी है एसिड एग्नोस्टिक्स की यहां बात की गई है और इसके साथ अगर हम देखते हैं यहां पर इसके मल्टीपल कोलेब्रेशन हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे कॉइन बेस यूनिस्वैप आ गया उसके बाद आप देखेंगे गौरुडा है उसके बाद हील्ड है जैपर है कॉइन ग चेन लिक धर्म ये सारे बड़े बड़े यहाँ पे इनकी कोलेब्रेशन की गई है इन प्रोजेक्ट के साथ तो यानी कि अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट है समझते हैं कॉइन मार्केट कैप में एम्प इज द प्रोजेक्ट नेम एम अगेन जो इसका ऑफिशियल गवर्नेंस टोकन है

टोकन हमें देखने को मिल जाते हैं लाइव चार्ट देखेंगे तो अभी काफी अपने निचले स्तर पे है उस एटीएच से तो यानी कि बायबल पोजीशन पे है आप चाहें तो बाय बाय कर सकते हैं लेकिन करने से पहले अपने फाइनेंशियल से आपको एडवाइस लेना बहुत जरूरी है अगर ये चेंज की बात की जाए एट से डाउन चल रहा है ऑल टाइम हाई दो साल पहले दस रुपए के करीब करीब गया था और ऑल टाइम लो दो साल पहले जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव नाइन जो किसेंट के हिसाब से राइस पर चल रहा है एम पी की आर वाई की बात की जाए तो डाउन बाय थर्टी के हिसाब से है आप चाहें तो एम पीटी और बाय कर सकते हैं आप चाहें तो उसे वजीरक से भी बाय कर सकते हैं लेकिन उतना ही बाय करें जिसका खोने पर आपको गम ना हो दोस्तों इन नटशल में यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो काफी लंबे समय से यहां पे टिका हुआ है जिसमें हम कह सकते हैं कि लीगल एस्पेक्ट काफी क्लियर है जो पूरे अपने यूज केस को लेके सीरियस है और इस पे डेवलपमेंट इनोवेशन की जा रही हैं तो ये सारी की सारा जो प्रोजेक्ट है यही दर्शाता है कि आने वाले समय में अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करते हो और अगर आप आज के दौर पे मैं बात कर रहा हूं जहां पर अपने एटीएस से काफी नीचे है तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर पोजिशन है आज जब आप इसे इस कम पॉइंट पे बाय करके जब इसने अपना एटीएच क्रिएट किया था दो में उससे काफी नीचे है तो हम समझते हैं कि अगर इसे बाय कर लेते हो तो आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बना सकते हो अच्छे प्रोजेक्ट की निशानी यही होती है कि आपको समझना होता है कि उस प्रोजेक्ट ने पिछले कुछ दिनों में क्या हासिल किया है उसने वहां पे क्या डेवलपमेंट की है और उस पूरे यूज केस को लेकर के उसके डेवलपर उसकी टीम कितनी सीरियस है ये सारी चीजें मैटर करती हैं सो so दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू एम्प प्रोजेक्ट के ऊपर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वीडियो ग्रेट डेट बाय